स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डायरेक्शन सेंड टेस्ट ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम एक बार हम देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट नोट्स में हम डायरेक्शन देखने वाले हैं, उसके बाद हम राइट राइट लेफ्ट कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे, उसके बाद कुछ टू कंसेप्ट है वो भी हम जान लेंगे, और उसके बाद में हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एट द एंड आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो देखो, सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स में हम डायरेक्शन देखेंगे। तो देखो यहाँ पर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ये तो आपको पता ही है। नॉर्थ साइड पे अगर आप मूव करके खड़े रहोगे तो आपके राइट हैंड में, राइट हैंड जिधर आएगा वो ईस्ट रहेगा, और लेफ्ट हैंड जिधर आएगा वो रहेगा वेस्ट रहेगा, ठीक है। और अपोजिट साइड में साउथ, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ, आप इस तरह से भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद जो भी बीच बीच वाला का रहता है उसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, सेम उसी प्रकार से नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन तो आपको समझ में आई, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, राइट लेफ्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट कौन सी साइड है और लेफ्ट कौन सी साइड है। देखो नॉर्थ से शुरू करते हैं हम। अगर आप नॉर्थ, तो नॉर्थ ऊपर है तो ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में मूव करके खड़ा रहने का, और आपका राइट हैंड साइड जिधर आता है वो आपकी राइट साइड, और लेफ्ट हैंड जिधर आता है वो आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखो ये जो आदमी है नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव, उधर नॉर्थ की तरफ मूव करके खड़ा है, तो उसका राइट साइड इधर आता है और लेफ्ट साइड इधर आता है, ठीक है। तो राइट साइड में ईस्ट आती है और लेफ्ट साइड में वेस्ट आती है, ठीक है। तो नॉर्थ साइड का हो गया। सेम उसी प्रकार से ईस्ट में देखो, तो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करके खड़ा रहने का, आपका राइट हैंड साइड इधर आता है, तो राइट हैंड राइट में साउथ आता है और लेफ्ट हैंड में नॉर्थ आता है, ठीक है। इसी तरह से याद रखने का, क्वेश्चन में बहुत इसी टाइप में देता है कि आदमी जा रहा था, वो बाद में राइट हैंड मुड़ा या फिर लेफ्ट साइड में वो टर्न हुआ, तो राइट लेफ्ट में कन्फ्यूज़ नहीं होने का, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो ईस्ट डायरेक्शन में उसी तरह से मूव करने का और खड़ा रहने का, राइट हैंड जिधर आता है वो राइट साइड, लेफ्ट हैंड जिधर आता है वो लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ईस्ट का हो गया। उसके बाद साउथ का देखो, साउथ की तरफ मूव करके खड़ा रहने का, ठीक है, या फिर उसी डायरेक्शन में चलने का, ऐसा माइंड में इमेजिन करने का। तो राइट हैंड इधर आता है और लेफ्ट हैंड इधर आता है, तो वो हो चुकी आपकी लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड में आपका वेस्ट आ जाएगा और लेफ्ट साइड में आपका ईस्ट आ जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद वेस्ट साइड का देखते हैं। तो वेस्ट साइड की तरफ मुंह करके खड़ा रहने का, राइट साइड में आपका नॉर्थ आ जाएगा और लेफ्ट साइड में आपका साउथ आ जाएगा, ठीक है। राइट लेफ्ट कंसेप्ट ध्यान में रहना रहेगा ना आप। देखो ये इमेज खाली कैच करके रखो अपने माइंड में, जिस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन का आपको राइट लेफ्ट देखने का है, सीधा उसी डायरेक्शन में मूव करके खड़ा रहने का, या फिर माइंड में ऐसा सोचने का या फिर इमेज क्रिएट करने का, और उसी इमेज के थ्रू राइट लेफ्ट निकालने का, ठीक है। ऐसा मन में सोचने का, अगर हम इस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट को टर्न किया तो हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमने राइट साइड टर्न लिया तो हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट इधर ही कंफ्यूज करते हैं, साउथ डायरेक्शन में चलते जा रहे होते हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है और बोला रहता है कि राइट साइड टर्न किया उसने, तो वो इधर टर्न मारते हैं और बाद में ईस्ट आंसर को, ईस्ट में जाते हैं तो उनका आंसर बाद में गलत आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट लेफ्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद में रखने का। उसके बाद थर्ड कंसेप्ट है अपना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट। देखो तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। तो देखो सबसे फर्स्ट हम क्लॉकवाइज देखते हैं, क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक के डायरेक्शन में। तो सबसे फर्स्ट नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाद साउथ आएगा, साउथ के बाद वेस्ट, तो ये क्लॉकवाइज कंसेप्ट है, ठीक है। देखो
मैं आपको यहाँ पर इस ये भी दिखाता हूँ। तो ये देखो इमेज देखो एक, तो इस टाइप में एक क्लॉकवाइज कंसेप्ट रहती है, देख रहे हो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या रहती है, इस टाइप में एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये अपने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट में क्या आता है, देखो हम पहले नॉर्थ में जाते हैं, फिर वेस्ट में, फिर साउथ में और फिर ईस्ट में। तो ये रही हमारे एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, ठीक है, ध्यान में रहेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट। तो उसके बाद हम थर्ड कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज कैलकुलेट करते हैं, ये मैं यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि देखो ये एक आदमी अगर यहाँ पे खड़ा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, ये एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, वो मान लीजिए 3 मीटर ये एक डायरेक्शन में गया, फिर वो ऊपर 4 मीटर गया, तो वो शुरू स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट में वो उसका डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा या फिर डायगोनल डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो वही थ्योरम हम देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल दिया है यहाँ पर, और उसके साइड्स दिए हैं ए बी सी। तो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमें सी, ये सी, ये डिस्टेंस निकालना पड़ता है, तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी तक हमने बहुत बार यूज़ किया है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं ऐसा मुझे तो लगता है, ठीक है। ये साइड ऑफ राइट एंगल, साइड ऑफ राइट एंगल, और सी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, तो ये तो सब आपको मालूम ही है, खाली फॉर्मूला ध्यान में रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हमें सी निकालने का है, तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखो फिफ्थ कंसेप्ट क्या है, पर्सन मूविंग टूवर्ड्स टू द, देखो क्वेश्चन में दिया रहता है कि पर्सन मूविंग टूवर्ड्स टू द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, अगर खाली इतना ही वर्ड क्वेश्चन में यूज किया रहता है, पर्सन मूविंग टूवर्ड्स टू द स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका क्या अर्थ है, वो पर्सन किधर मूव हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में वो चल रहा है, ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान में रखने का। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, पर्सन मूविंग टूवर्ड्स टू द सनराइज, सनराइज मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में वो जो भी पर्सन है वो मूव हो रहा है, ठीक है। या फिर कभी कभी आता है एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जाता है कि पर्सन मूविंग टूवर्ड्स टू द सनसेट, तो पर्सन किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग गलत हुई है, ठीक है, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। उसके बाद 90 डिग्री कंसेप्ट, तो एक 90 डिग्री का कंसेप्ट क्या होता है, देखो एक पर्सन मूव हो रहा है, ठीक है, और वो ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता है कि वो लेफ्ट में टर्न हुआ, लेफ्ट में टर्न हुआ, तो वो कितना डिग्री में टर्न हुआ वो नहीं दिया रहता, खाली इतना ही पूछा जाता है कि वो लेफ्ट लेफ्ट में लेफ्ट साइड में टर्न हुआ, तो लेफ्ट साइड में मतलब वो 90 डिग्री में टर्न हुआ, तो यही है 90 डिग्री का कंसेप्ट, क्वेश्चन में दिया नहीं रहता। या फिर कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि पर्सन जा रहा है और वो बाद में क्या हुआ, 40 डिग्री टर्न किया, 40 डिग्री टर्न किया किसको, इसको, तो वो फिर कोई भी बीच वाले के साइड में वो चल रहा है। और अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से आता है कि वो पर्सन जा रहा है एक डायरेक्शन में और वो उसने राइट टर्न लिया या फिर लेफ्ट टर्न लिया, बस इतना ही होता है, तो उस समय आप अज्यूम करने का कि वो 90 डिग्री टर्न लिया या फिर वो 90 डिग्री टर्न ही होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो यहाँ पर पूरे के पूरे जो भी कंसेप्ट है ये वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये एग्जाम्पल जो भी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन, राइट लेफ्ट कंसेप्ट, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कंसेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम एंड ये सनसेट सनराइज और स्ट्रेट लाइन का और 90 डिग्री का कंसेप्ट।
ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।